अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शेफ अल्ताफ। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चिकन चौमिन, लेकिन देसी स्टाइल, देसी जुगाड़ के साथ। चाइनीज़ रेसिपी है तो फीकी फीकी नहीं हो, मज़ा देती। तो हम बनाएंगे थोड़ी सी चटपटी चौमिन। तो चलिए देखिए किस तरीके से देसी स्टाइल में हम बना रहे हैं। जुगाड़ी स्टाइल चौमिन बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है एक पैन, उसमें मैंने डाला है तकरीबन तीन से चार जगह लहसुन के रफली चॉप करके, यानी कि मोटे मोटे। साथ में डालना है हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर जस्ट टू टेस्ट, और थोड़ी सी डाल देंगे क्रश चिल्ली, ये भी जस्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा टच देने के लिए। 5 टेबलस्पून डाल देंगे हम विनेगर इसमें, नमक जस्ट टू टेस्ट। तो इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाए, यानी कि इसका जो पानी वगैरह हो, विनेगर खुश्क हो जाए, फिर हम डाल देंगे 100 ग्राम जूनियन कटी हुई चिकन हमारी, पतली पतली और लंबी लंबी। तो इसको हम करेंगे फ्राई। हमारी चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे शामिल करेंगे वेजिटेबल। 3 चीज़ें वेजिटेबल में हैं, कैप्सिकम, कैबेज और ऑनियन। तीनों चीज़ें बराबर की हैं, यानी कि बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज बराबर की क्वांटिटी होनी चाहिए। और इसको थोड़ा सा जस्ट हम करेंगे फ्राई। वेजिटेबल हमने लाइट फ्राई करनी है, ज़्यादा नहीं, वरना वेजिटेबल जो है पानी छोड़ देगी और हमारी जो चौमिन है वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद फिर हम डालेंगे यहाँ पे हमारी जो चौमिन है, ये मैंने ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। जिन मेरे बहन भाइयों ने नहीं देखी, तो होममेड ये है एग नूडल्स, आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इजीली बन जाती है। तो ये हम बॉयल की हुई इसी में डाल के इसको करेंगे गर्म और मिक्स। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम टच देंगे यहाँ पर टमाटो केचप, तकरीबन 4 टेबलस्पून। उसके बाद फिर इसको हिलाएंगे अच्छे से और पकाएंगे। इसको याद रहे कि ओवर कुक नहीं करना, चौमिन डालने के बाद आपने जस्ट कुक करना है, लाइट गरम करने के लिए। हमारी चौमिन गरम हो जाए तो समझ लो आपकी जो है डिश रेडी है। तो माशाल्लाह आज की हमारी खूबसूरत सी चिकन चौमिन तैयार है। चूल्हा करेंगे ऑफ और डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त आज की हमारी जो खूबसूरत है चिकन चौमिन तैयार है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मेरी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।